पिछले बार वाले स्क्विड गेम में जितने लोग भी जीत चुके थे उन लोगों को आगे का स्क्विड गेम खेलने के लिए बुलाया गया है। आज इन लोगों को काफी सारा गेम खेलना है। आप लोगों को भी इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आज इन लोगों को टोटल 4 गेम खेलना है। सबसे पहला गेम इन लोगों का यह है कि लोगों को इस टायर के बीच से जंप करते हुए गुजरना है और जो भी इस गेम को जीत जाएगा सिर्फ वही लोग आगे का गेम खेल पाएंगे। इन लोगों को गेम खेलने के लिए एक बाइक भी दिया जा रहा है। ये कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स बाइक है। ये आदमी कहता है क्या तुम लोग रेडी हो इस गेम को खेलने के लिए? चलो मैं तुम लोगों को इस गेम का रूल बता देता हूँ। और फिर ये आदमी इस गेम का रूल बताने लग जाता है और तभी ये आदमी कहता है रूल बताने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि इस गेम में तुम लोगों को काफी ज्यादा चोट भी लग सकता है। अगर तुम लोगों को इस गेम में चोट लगेगा तो उसके जिम्मेवार हम लोग नहीं होंगे, उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे क्योंकि तुम ही गेम को खेलने के लिए आए हो। इस गेम में तुम लोगों को करना यह है कि जो बड़ा सा टायर तुम लोगों को सामने में दिखाई दे रहा है उस टायर के बीच से तुम लोगों को गुजरना है, वो भी बाइक को उछलाते हुए। तभी सोन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो काफी आसान गेम है, मैं तो इसे ऐसे ही पार कर सकता हूँ। क्या तुम लोगों के पास अच्छा सा गेम नहीं है जिसे खेल कर हम लोगों को काफी ज्यादा मजा आए? ये गेम तो बच्चों का गेम है, कोई भी बच्चा इस गेम को आसानी से खेल लेगा और ये बच्चों का गेम तुम लोग हम लोगों को खेलने के लिए बोल रहे हो, देख लेना मैं ही इस गेम को जीतूंगा। मुझे इस अंकल के बारे में नहीं पता कि ये जीतेंगे या नहीं, लेकिन गुल्ली बुल्ली और बाबा जरूर जीतेंगे। तभी आदमी कहता है तुम्हें ये गेम आसान लग रहा होगा लेकिन ये गेम बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि सारे लोग यही कहते हैं कि ये गेम काफी ज्यादा आसान है लेकिन फिर गेम को खेलने के बाद सारे लोग हार ही जाते हैं, इसलिए बिना गेम को खेलो ये मत बोलो कि ये कोई आसान सा गेम है। तुम पहले गेम खेल लो उसके बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये गेम आसान है या हार्ड है। इस आदमी की ये सब बातें सुनने के बाद गुल्ली कहता है अरे आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल हो चुका है, मुझे पता है कि हम लोग इस गेम को खेल लेंगे, ये गेम आसान तो नहीं है लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं इस गेम को जरूर जीत जाऊंगा। और मैं क्या सोन बुल्ली और बाबा भी इस गेम को जीत जाएंगे? तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि वो सब छोड़ो तुम लोग गेम को खेलने के लिए जाओ क्योंकि काफी देर हो चुका है, सबसे पहले कौन जाएगा मुझे ये बताओ। इस आदमी की ये सब बातें सुनकर सोन काफी खुश हो जाता है और सोन कहता है सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं इस गेम को जीत कर आता हूँ, तुम लोग बस देखते रहो मैं इस गेम को कैसे जीतता हूँ। इतना बोलते बोलते सोन वहाँ से जाने लग जाता है। थोड़ी देर में सोन बाइक में बैठ जाता है। बाइक में बैठने के बाद वो बाइक को स्टार्ट करके आगे जाने लग जाता है। सोन काफी बचते बचाते आगे जा ही रहा होता है और फिर थोड़ी देर में सोन काफी ज्यादा आगे पहुंच जाता है और फिर काफी आगे आने के बाद सोन अचानक से अपनी बाइक को जंप करा देता है। इस टायर को पार करने के बाद सोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सोन ये सोचता है चलो ये टायर तो पार हो ही चुका है और फिर सोन अपनी बाइक को थोड़ी देर में रोक देता है। सोन तो ये सोचकर अब काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि वो अब आगे का गेम खेल पाएगा। और फिर थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली के पास सोन चला जाता है और अब हेलो नेबर की बारी है और हेलो नेबर अब गाड़ी को स्टार्ट कर आगे जाने लग जाते हैं। पता नहीं हेलो नेबर इस गेम को जीत पाएंगे या नहीं। थोड़ी देर में हेलो नेबर भी अपनी गाड़ी को जंप करा देते हैं। अरे ये क्या, हेलो नेबर के साथ तो काफी ज्यादा बुरा हो चुका है, हेलो नेबर इस गेम को नहीं खेल पाए हैं, हेलो नेबर तो इस गेम को हार ही चुके हैं और गाड़ी भी नीचे गिरकर टूट चुका है। ये आदमी कहता है अरे ये क्या हुआ, गाड़ी तो टूट चुका है, अब ये गाड़ी तो चलेगा नहीं, अब क्या करें। तभी दूसरा आदमी कहता है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी को गिरना ही था तो ये खुद गिर जाता लेकिन ये गाड़ी को क्यों गिराया, हमारे पास तो एक ही गाड़ी था। तभी वहाँ हेलो नेबर आ जाते हैं। हेलो नेबर को देखते ही तीसरा आदमी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि ये गाड़ी कितनी महंगी है, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा महंगी है, ये गाड़ी लाखों की है और तुमने इस गाड़ी को तुरंत ही तोड़ दिया है। पहली बात तो यह है कि तुम इस गेम से आउट हो चुके हो लेकिन मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे ये लोग अब कैसे गेम को खेलेंगे, गाड़ी के बिना ये गेम को खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। इस आदमी की ये सब बातें सुनने के बाद बाबा कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग इस गेम को ऐसे ही खेल लेंगे, मैं तो इसे ऐसे ही दौड़ कर पार कर सकता हूँ, ये गेम थोड़ी ना ज्यादा मुश्किल वाला गेम है। बाबा की ये बात सुनकर सोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोन कहता है हाँ बाबा तो इसे ऐसे ही पार कर सकते हैं। बाबा और सोन की ये बात सुनकर ये आदमी कहता है अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोगों को क्या दिक्कत होगा, तुम लोग इसे ऐसे ही दौड़ कर पार कर लो, जो भी इसे पार कर लेगा वही इस गेम को जीत जाएगा, नहीं तो तुम लोग हार भी सकते हो। ये बात सुनते ही बाबा सबसे पहले आगे जाने का फैसला करते हैं और फिर थोड़ी देर में बाबा आगे जाने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा को देखकर ये सोचने में लग जाते हैं कि पता नहीं बाबा जीतेंगे या नहीं, और बाबा भी काफी तेजी से दौड़ने में लगे हुए थे, ऐसा लग रहा है कि बाबा इस गेम को जरूर जीत जाएंगे। और ये लगा दी बाबा ने जंप, बाबा जैसे ही जंप लगाते हैं तो बाबा इस टायर को क्रॉस ही कर जाते हैं और फिर बाबा इस गेम को जीत जाते हैं। बाबा गेम को जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा वहाँ से जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में बाबा गुल्ली बुल्ली के पास आकर रुक जाते हैं और अब जाएगा बुल्ली। बुल्ली भी काफी ज्यादा खुश है क्योंकि बुल्ली को ऐसा लग रहा है कि वो भी बाबा की तरह जीत जाएगा। और ये सब सोचते सोचते बुल्ली भी काफी तेजी से दौड़ने में लगा हुआ था और थोड़ी देर में टायर के पास बुल्ली भी पहुंच जाता है। बुल्ली टायर के पास आने के बाद अचानक से जंप लगा देता है। जंप लगाने के बाद बुल्ली भी इस टायर के बीच से गुजर जाता है और फिर बुल्ली भी इस गेम को जीत जाता है। गेम को जीतने के बाद बुल्ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर बुल्ली भी घूमकर सारे लोगों के पास जाने लग जाता है। और अब अगला बार ये गुल्ली का, पता नहीं गुल्ली इस गेम को जीत पाएगा या नहीं। इधर गुल्ली भी दौड़ने के लिए तैयार है और ये लगा दी गुल्ली ने दौड़। गुल्ली अपने मन में ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि बुल्ली सोन और बाबा तो जीत चुके हैं तो ये क्यों नहीं जीतेगा, ये भी जरूर जीत जाएगा। अरे ये क्या, गुल्ली तो बंदरों की तरह उछलते हुए इस टायर को पार कर चुका है और गुल्ली भी इस गेम को जीत चुका है। गुल्ली इस गेम को जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
गुल्ली सबसे ज्यादा खुश इस बात से है कि अब इन लोगों को आगे का गेम खिलाया जाएगा। और फिर थोड़ी देर में गुल्ली सारे लोगों के पास चला जाता है। तभी वो आदमी कहता है, तुम लोग काफी अच्छा खेले, तुम चारों लोग जीत चुके हो, चलो अब आगे का गेम खेलते हैं। इतना बोलने के बाद सारे लोग आगे का गेम खेलने के लिए जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में इन लोगों को एक काफी बड़ा जंगल में लेकर आया जाता है। ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा था, दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ भरे हुए थे। लेकिन इस जगह पे आकर इन लोगों को क्या करना था? अरे ये क्या इतने बड़े जंगल में हेलीकॉप्टर क्यों दिखाई दे रहे हैं? और ये काफी सारे हेलीकॉप्टर को यहाँ लाया किसने होगा? अरे ये क्या गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा भी इसी जगह पे खड़े हैं और वो तीनों आदमी भी यहीं पे आए हुए हैं। तभी वो आदमी कहता है, तुम लोगों को मैं इस गेम का रूल बता देता हूँ, तुम लोगों को इस गेम में करना क्या है। दरअसल इस गेम में तुम लोगों को हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है, तुम लोगों को एक एक करके इस हेलीकॉप्टर में बैठना है और फिर तुम लोगों का रेस होने वाला है। जंगल के दूसरे साइड तुम लोगों को जाकर उतरना है और जो भी तीन लोग सबसे पहले लैंड करेंगे वही तीन लोग जीतेंगे और जो सबसे पीछे लैंड करेगा वो हार जाएगा। और हाँ, तुम लोगों को जहाँ पर लैंड करना है वहाँ पर हम लोगों के दो आदमी पहले से ही मौजूद हैं। बाबा कहते हैं, चलो चलो हम लोग गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर बाबा कहने लग जाते हैं, चलो चलो गुल्ली बुल्ली और सोन, इस गेम में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बुल्ली तुम इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। नहीं नहीं बुल्ली, तुम उस हेलीकॉप्टर में मत बैठो, तुम उस हेलीकॉप्टर में बैठो, मैं इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता हूँ। तभी सोन कहता है, अरे ये बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा पागल हो गए हैं क्या? बुल्ली कहता है, मुझे क्या पता, शायद बाबा जीतने की खुशी में पागल ही हो चुके हैं। इधर बुल्ली को भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा ऐसे क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर में बाबा भी आगे बढ़ने लग जाते हैं और फिर बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन भी आगे बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि अब ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठने वाले हैं। हेलीकॉप्टर में बैठने की खुशी में गुल्ली बुल्ली और सोन भी आज काफी ज्यादा खुश है क्योंकि आज ये लोग हेलीकॉप्टर का रेस करने वाले हैं। इन्होंने आज से पहले कभी भी हेलीकॉप्टर का रेस नहीं किया है। तभी ये आदमी कहता है कि अभी थोड़ी देर में हम लोग एक लाइट जलाने वाले हैं, जब वो लाइट रेड हो जाएगी तो तुम लोगों को इंजन स्टार्ट कर देना है और फिर जब वो लाइट ग्रीन हो जाएगी तो तुम लोगों को रेस स्टार्ट कर देना है। इतना बोलते ये आदमी लाइट निकाल लेता है और फिर थोड़ी देर में ये लाइट को रेड कर देता है। लाइट रेड होते ही सारे लोग ये समझ जाते हैं कि अब इंजन को स्टार्ट करने की बारी है और फिर सारे लोग इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है। और फिर थोड़ी ही देर में ये लाइट को रेड से ग्रीन कर देता है। लाइट ग्रीन होते ही सारे लोग रेस को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से जाने लग जाते हैं। पता नहीं कौन इस गेम को जीतने वाला है। इस गेम का ये भी रूल था कि इस गेम में तीन लोग जीतने वाले हैं और एक आदमी हारने वाला है, लेकिन आखिर वो कौन होगा जो कि इस गेम को हारने वाला है? स्टार्टिंग में तो सबसे आगे बाबा ही है और सबसे पीछे गुल्ली है। शायद गुल्ली इस गेम को हार जाएगा और बाबा इस गेम को जीत जाएंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। जंगल को पार करते ही थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को वो दो आदमी दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी रेड लाइट जला देता है। रेड लाइट को देखते ही सारे लोग हेलीकॉप्टर को लैंडिंग कराने लग जाते हैं। सबसे पहले बाबा इस जगह पर लैंड कर जाते हैं, उसके बाद सोन, उसके बाद गुल्ली। लेकिन बुल्ली इस गेम को हार जाता है क्योंकि बुल्ली सबसे पीछे इस जगह पे हेलीकॉप्टर को उतार रहा है। थोड़ी देर में ये लोग हेलीकॉप्टर को बंद कर देते हैं। हेलीकॉप्टर के बंद होने के बाद ये चारों लोग नीचे उतर कर आते हैं और ये आदमी कहता है कि तुम लोगों का गेम तो पूरा हो ही चुका है और तुम लोग तीन लोग जीत चुके हो। जो जो इस गेम में जीत चुके हो उन लोगों को आगे का गेम खेलना है, तो थोड़ी देर में आगे का गेम होने वाला है, तुम लोगों को मैं अभी ही बता देता हूँ। चलो अब आगे का गेम में तुम लोगों को क्या करना है वो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, चलो तो फिर हम लोग आगे का गेम खेलते हैं। ये बात सुनते ही बाबा काफी खुश हो जाते हैं और फिर बाबा कहते हैं, तो फिर देरी किस बात की, चलो तो फिर आगे का गेम खेल ही लेते हैं। ये आदमी गुल्ली सोन और बाबा से ये कहने में लगा हुआ है कि आखिर इन लोगों को ये गेम में करना क्या है और आखिर ये कौन सा गेम है। ये आदमी कहता है कि तुम लोगों को इस गेम में तैरना है और इस गेम में तैर कर ही जीतना है। और हाँ, तुम लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है बल्कि ये काफी ज्यादा ठंडा पानी है क्योंकि हम लोगों ने इस पानी के अंदर काफी सारा बर्फ डाला है और ये पानी काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है, इसलिए थोड़ा संभल कर इस गेम को खेलना वरना कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं, ये गेम कभी स्टार्ट होने वाला है मुझे ये बताओ। लेकिन बाबा के सवाल का कोई भी जवाब ये आदमी नहीं देता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बुल्ली भी आया हुआ है। दरअसल बुल्ली हार चुका है लेकिन बुल्ली इन लोगों का गेम देखने के लिए आया है कि ये लोग गेम को कैसे कैसे खेलते हैं और गेम को कौन जीतता है। स्विमिंग पूल का पानी देखने से ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा ठंडा होगा। अगर ये ठंडा होगा तो पता नहीं गुल्ली सोन और बाबा का क्या होगा, वो लोग इस गेम को कैसे खेल पाएंगे। तभी ये आदमी कहता है कि तुम लोगों को इस गेम में खेलना कैसे है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। दरअसल तुम लोगों को इस सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ना है और फिर तुम लोग जब इस पटरे के ऊपर चले जाओगे तो तुम लोगों को इसके ऊपर से जंप करना है जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा। और हाँ, तुम लोगों को मैं एक बात बताना ही भूल गया कि तुम
लोगों को इस तरफ से उस तरफ तैरते हुए जाना है और जो भी दो लोग सबसे पहले वहाँ जाएंगे वो जीत जाएंगे, बाकी एक आदमी हार जाएगा। तभी सोन उस आदमी से कहता है, तुम क्या हम लोगों को मारना चाहते हो? ये पानी इतना ज्यादा ठंडा है और तुम बोल रहे हो कि हम लोगों को इसी पानी के अंदर तैरना है। अरे गुल्ली मत तैरो, ये पानी काफी ज्यादा ठंडा है, हो सकता है कि हम लोग बीमार पड़ जाए और फिर हो सकता है कि हम लोग डायरेक्ट ऊपर ही टपक जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पानी में तैरने से पहले हम लोगों को 10 बार सोचना होगा क्योंकि वैसे भी अभी ठंड का मौसम चल रहा है। तभी गुल्ली कहता है, अरे सोन अगर तुम इस पानी में नहीं तैरोगे तो शायद ये लोग तुम्हें इस गेम से आउट कर देंगे और फिर तुम ये गेम को हार जाओगे। चाहे ये पानी कितना भी ज्यादा ठंडा हो लेकिन तुम्हें इस पानी के अंदर तैरना ही होगा, तभी तुम इस गेम को जीत पाओगे। ये बात सुनते ही सोन चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है और सोन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लग जाता है। सोन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसे बिना मतलब के ही इस गेम से आउट कर दिया जाए। थोड़ी देर में सोन लकड़ी के पटरे के ऊपर चला जाता है और फिर सोन पानी को देखने लग जाता है। सोन को ऐसा लग रहा है कि वो भी इस गेम में जीत ही जाएगा और तभी सोन अचानक से पीछे मुड़ जाता है और सोन उन लोगों से कहता है, अरे बाबा और गुल्ली आप लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग ठंडे पानी की वजह से डर तो नहीं गए? आइए जल्दी से तैरने के लिए। ये बात सुनते ही बाबा अपना सर हिलाते हैं और फिर बाबा और गुल्ली वहाँ से आगे आने लग जाते हैं। और अब जैसे ही बाबा और गुल्ली यहाँ पर आ जाएंगे तो इन लोगों का गेम स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर चढ़ने के बाद बाबा अचानक से जंप करके किनारे के ऊपर खड़े हो जाते हैं और गुल्ली पटरे के ऊपर चला जाता है। अब ये तीनों अपने अपने पोजीशन में जा चुके हैं और अब थोड़ी देर में गेम स्टार्ट होने वाला है। तभी वो आदमी ताली बजाता है, ताली की आवाज सुनते ही सारे लोग पानी के अंदर कूद जाते हैं। पानी के अंदर कूदने के बाद थोड़ी देर में ये लोग पानी से बाहर आते हैं। सोन को इस गेम में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और बाबा को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन गुल्ली को पानी काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है, लेकिन फिर भी गुल्ली तैरने में लगा हुआ है। और फिर थोड़ी देर में ये लोग किनारे के पास आ जाते हैं। सबसे पहले सोन सबसे किनारे आता है, उसके बाद बाबा आ जाते हैं, लेकिन गुल्ली इस गेम को हार जाता है क्योंकि वो सबसे पीछे आया है। गुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि सोन और बाबा जीत चुके हैं। और फिर थोड़ी देर में गुल्ली सोन और बाबा गेम को जीतने के बाद इन तीनों आदमी के पास आते हैं। इन तीनों आदमी के पास आते ही बाबा कहते हैं, चलो ये गेम तो पूरा हो ही चुका है, अब तुम लोग दूसरे गेम के बारे में बताओ, वो गेम कौन सा होने वाला है। तभी ये आदमी कहता है कि गुल्ली इस गेम को हार चुका है और तुम लोग दोनों इस गेम को जीत चुके हो और अब तुम दोनों का ही गेम होने वाला है। तुम लोगों का आगे कौन सा गेम होने वाला है वो मैं थोड़ी देर में बता ही दूंगा, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, और वैसे भी मैं तुम लोगों को सारे गेम के बारे में पहले ही बता देता हूँ, चलो तो फिर अब गेम खेलते हैं। बाबा कहते हैं, हाँ तो फिर देरी किस बात की, चलो अब चलते ही हैं। ये सब बातें करने के बाद थोड़ी देर में ये लोग दूसरे गेम को खेलने के लिए आ जाते हैं। अरे ये क्या, इन लोगों को तो एक हाईवे पे लाया गया है, आखिर ये हाईवे पे इन लोगों के साथ क्या होने वाला है? लगता है तो ऐसा है कि यहाँ पर एक रेस होने वाला है और इन लोगों को दौड़ते हुए काफी दूर जाना है। सोन तो सुबह से गेम खेलते खेलते काफी ज्यादा थक चुका है, पता नहीं वो दौड़ पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी सोन को गेम तो जीतना ही है, इसलिए सोन को दौड़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और सोन यहाँ से गेम को छोड़कर जा भी नहीं सकता क्योंकि ये लास्ट गेम है, लेकिन सोन खुश इस बात से है कि अगर सोन हार भी जाएगा तो पैसे तो बाबा को ही मिलेंगे, थोड़ी ना कोई दूसरा आदमी है जो कि पैसे लेकर चला जाएगा। गुल्ली बुल्ली भी इस जगह पे आए हुए हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली को भी देखना है कि बाबा और सोन में से कौन जीतेगा। तभी आदमी सोन और बाबा से कुछ कहने लग जाता है। ये आदमी कहता है, तुम लोगों को मैं इस गेम का रूल बता देता हूँ, और फिर ये आदमी इस गेम का रूल इन लोगों को बताने लग जाता है। ये आदमी कहता है कि तुम लोगों को करना यह है कि तुम लोगों को यहाँ पर दौड़ लगाना है और फिर जब तुम लोग यहाँ से दौड़ लगा लोगे तो तुम लोगों को दौड़ते हुए उस फिनिश लाइन के पास पहुँचना है, जो भी सबसे पहले वहाँ पहुँचेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि जीतने वाले को 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। दौड़ने वाली बात सुनकर सोन काफी गुस्सा हो जाता है और सोन कहता है, तुम तो सुबह से हम लोगों को दौड़ाने में ही लगे हुए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कितने ज्यादा थक चुके हैं, और तुम तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं पूछ रहे हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हम लोग कैसे आदमी है, हम लोग सारों मिलकर तुम लोगों को कूट डालेंगे। दरअसल सोन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि सोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है क्योंकि सुबह से ये लोग दौड़ाने में ही लगे हुए। बाबा कहते हैं, अरे सोन ये सब बातें छोड़ो ना, चलो हम लोग गेम को खेलते हैं। लेकिन सोन की ये सारी बातें सुनने के बाद ये आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये आदमी कहता है, 10 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अगर तुम 10 करोड़ रुपए जीत जाओगे तो सारी जिंदगी तुम बैठकर आराम से खाओगे और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये गेम नहीं खेलना है तो तुम नहीं खेल सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और रही बात खाने की, तो हम लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। तभी सोन कहता है, अरे तुम लोग मुझे इस गेम से बाहर मत निकाल देना क्योंकि मैं तो मजाक ही कर रहा था और तुम लोग तो सीरियस हो चुके हो। सोन की ये बात सुनकर ये आदमी कहता है, चलो अब ज्यादा मजाक मत करो, अब मैं थोड़ी देर में गेम को स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं जैसे ही इशारा करूंगा तो तुम लोगों को दौड़ लगाना है। इतना कहने के बाद ये आदमी अचानक से इशारा कर देता है। इशारे को देखते ही सोन और बाबा दौड़ लगा देते हैं। अरे ये क्या, सोन तो काफी अजीब तरीके से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सोन काफी ज्यादा थका हुआ है, अगर सोन थका हुआ है तब तो सोन इस गेम को हार ही जाएगा और बाबा तो काफी तेजी से दौड़ने में लगे हुए हैं। तभी बाबा ये सोचते हैं कि अगर सोन हार जाएगा तो सोन को काफी बुरा लगेगा, इसलिए बाबा सोन को जिताएंगे और बाबा जानबूझकर धीरे धीरे दौड़ेंगे। लेकिन बाबा और सोन को दौड़ते हुए देखकर गुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा खुशी होती है। बुल्ली कहता है, क्या लगता है गुल्ली कौन जीतने वाला है और पैसे आज कौन लेकर जाएगा? बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है, मुझे क्या पता बुल्ली, लेकिन जो भी हो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, जो भी जीते हम लोगों को क्या करना है। गुल्ली की ये बात सुनकर बुल्ली कुछ सोचने लग जाता है और बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो भी जीते हम लोगों को उससे क्या करना है, हम लोगों को उससे तो बस पैसे ही मांगने हैं।
इधर बाबा और सोन काफी दूर निकल आए हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बाबा इस गेम को जीत जाएंगे, लेकिन अगर बाबा सोन को जिताना चाहते हैं तो बाबा को जानबूझकर धीरे दौड़ना ही होगा, नहीं तो सोन हार ही जाएगा। और अगर सोन हार जाएगा तो सोन को काफी ज्यादा दुख होगा। यही बात बाबा सोच सोचकर काफी धीरे दौड़ने लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर में सोन काफी आगे निकल आता है। ऐसा लग रहा है कि सोन इस गेम को अब जीत ही जाएगा। और तभी अरे ये क्या, सोन तो इस गेम को जीत चुका है। सोन ये गेम को जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोन के जीतने पर सबसे ज्यादा खुशी बाबा को होती है। बाबा को पता है कि अब सोन काफी ज्यादा खुश हो चुका होगा। तभी बाबा कहते हैं, वाह सोन तुम तो जीत गए, अब बताओ पार्टी कब दे रहे हो, तुम तो बहुत सारे पैसे जीते हो। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि चलो अब गुल्ली बुली के पास चलते हैं और उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाते हैं। इधर गुल्ली बुली भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। गेम खत्म होने के बाद ये सारे लोग बात करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं, लाओ हमारे पैसे किधर हैं, सोन इस गेम को जीत चुका है तो तुम्हें पैसे तो दे ही देने चाहिए। तभी आदमी कहता है कि तुम कौन होते हो पैसे मांगने वाले, जीता तो सोन है तो सोन को ही पैसे मांगने चाहिए। और हाँ, तुम लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि सारे पैसे सोन के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, कल सुबह तक ही सारे पैसे बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। और हाँ, गलती से भी तुम लोग ये मत सोच लेना कि हम लोग तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाएंगे, पैसे तुम्हें जरूर मिल जाएंगे, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर तभी बुल्ली सोन से कुछ कहने लग जाता है। बुल्ली कहता है, अरे सोन तुम चिंता मत करो, कल सारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में चले जाएंगे और फिर तुम सारे पैसे निकाल कर मुझे दे देना, मैं उससे कुछ खरीद लूंगा। लेकिन सोन बुल्ली का कोई जवाब नहीं देता है और इस तरह से गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा की मस्ती शुरू हो जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि सोन को इतने सारे पैसों का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।